हरियाणा के करनाल जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान महापंचायत के आह्वान को देखते हुए पूरे करनाल जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार के मुताबिक 7 तारीख को करनाल में किसानों ने महापंचायत बुलाई है। इस महापंचायत के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार ने आज दोपहर 12:30 बजे से 7 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा सरकार को कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है, जिसे देखते हुए सरकार ने पूरे करनाल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। वहीं इस मामले में हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चारुनी ने कहा है कि हमारी करनाल प्रशासन के साथ बैठक हुई थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। किसान नेता गुरनाम ने कहा है कि हम अपनी पंचायत के साथ आगे बढ़ेंगे। किसान नेता गुरनाम ने ऐलान कर दिया है कि करनाल में 7 सितंबर को महापंचायत होगी और मिनी सचिवालय का घेराव करेगी। बता दें कि करनाल में बीती 28 अगस्त को पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया था। इस लाठी चार्ज के खिलाफ किसानों ने 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत बुलाई है। बता दें कि बीती अगस्त को हुए पुलिस लाठी चार्ज में कई किसानों को सिर में गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद आक्रोशित किसानों ने हरियाणा में जगह जगह चक्का जाम कर खट्टर सरकार का जमकर विरोध किया था। वहीं इस बीच करनाल के तत्कालीन SDM आयुष सिन्हा का भी एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें SDM आयुष सिन्हा पुलिस को किसानों के सिर फोड़ देने के निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद किसान बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए थे। हालांकि इस घटना के बाद SDM आयुष सिन्हा का ट्रांसफर कर दिया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर फॉलो करें।